हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक डेमो वीडियो है। मैं आपको दिखाऊंगा कि लोडर कैसे बना सकते हैं, बड़ा कमाल का एनिमेशन है। और लोडर कैसे बनाएंगे HTML और CSS की मदद से, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूं, तो यहां प्रेस करता हूं नोटपैड और ये नोटपैड का टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, इसको ओपन कर लेता हूं। यहां पर वो कोडिंग करेंगे, ठीक है। वो कोडिंग क्या है मैं जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो कोड है जिसकी मदद से आप लोडर बना सकते हैं। अब ये लोडर काम कैसे करता है, पहले इसको सेव करते हैं तब ये पता चलेगा। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ और इसको लोडर के ही नाम से सेव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ LOADER लोडर .html या .stm, जो भी हो आप लिख सकते हैं। तो ये लिखिए, आप इसको चलाने की बारी है। तो चलिए, यहीं पे कहीं सेव हुआ होगा, तो लोडर के नाम से सेव हुआ है, ये रहा। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डबल क्लिक किया मैंने और ये देख सकते हैं ये लोडर कुछ इस तरीके से घूम रहा है। इसमें चलिए कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ चेंजेस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां से राइट क्लिक करूंगा और यहां से इसको मैं, चलिए ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर पे इसे ओपन कर लेता हूं मैं। तो ये ओपन हो जाएगा और यहां पर कुछ चेंजेस हम परफॉर्म कर सकते हैं। चेंजेस क्या परफॉर्म करेंगे उसको देख लेते हैं। यहां से कलर वगैरह बदल सकते हैं, या फिर यहां पे ये की फ्रेम स्पिन दिया हुआ है और ये टीएस दिया हुआ है, इसको 3S कर सकते हैं और रेडियस को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहां से 50% दिया हुआ है, यहां पर आप चेंज कर दीजिए 150 कर दीजिए इसको। और यहां पे 16 है, तो इसको मैं 36 कर देता हूं। और अब इसको चलाने की कोशिश करते हैं सेव करके, ठीक है ना। तो यहां से सेव कर लिया है और अब ये चलेगा। तो यहां से चलाने के लिए आपको जाना होगा, ये यहां पे क्लिक करना है लाइव प्रीव्यू। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोडर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा। यहां पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से चलने लगा, पहले देख सकते थे किस तरीके से चल रहा था और अब देखिए इसका चलने का स्टाइल। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। डिटेल वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।